नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका खेगड़े न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। धार जिले के कुची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां क्षेत्र में मोटर वाइडिंग के तार चोरी करने वाली गैंग को कुची पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही 800 फीट वोटर वायर और केबल कटर कीमती 50,000 रुपये का माल बरामद किया गया। साथ ही आरोपी गढ़ों से अन्य मामलों में पूछताछ कर न्यायालय कुची पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। चोरी के मामले में आरोपियों को पकड़ा गया, क्या मामला है सर? देखिए, ये 21 अगस्त 2023 को मेहुल पाटीदार, इनकी तलावड़ी रोड पर एक मोटर बाइंडिंग की दुकान है। इन्होंने थाना आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ये दुकान बंद करके रोजाना की तरह अपने घर गए थे। जब सुबह आकर इन्होंने देखा तो जो दुकान है, दुकान के ऊपर की जो छत है वो कटी हुई थी, और वहाँ से कुछ अज्ञात चोरों ने घुस के यहाँ से करीब 800 फीट केबल वायर, जो कॉपर का वायर था, वो चोरी कर लिया है। करीब 50,000 रुपये कीमत का माल था। इस पर से थाना कुक्षी में एक नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। SP श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था, और उन्होंने एक टीम गठित की थी, जो टीम के द्वारा काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण की पूरी विवेचना की गई। और जब विवेचना के दौरान जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे, जो तकनीकी साक्ष्य थे, उनको एकत्रित किया गया। मुखबिर सूचना के आधार पर पड़ा कि इस पूरी वारदात में जो शेखर, राहुल और विजय नाम के 3 लड़के हैं, जो कोली मोहल्ले के रहने वाले हैं, इन्हें इसमें शामिल है। इस आधार पर शेखर, राहुल और विजय को जो है अलीराजपुर के पास से जब पकड़ कर इनसे जब पूरी पूछताछ की गई, तो प्रारंभ में घटना से इनकार करते रहे, लेकिन फिर आखिरी अंततः इनने घटना करना स्वीकार किया है, और इन्होंने जो माल था। खबर चित्रकूट से, जहां विधानसभा अंतर्गत बरौदा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला सामने आया। वही आदिवासी परिवार की महिला बताई जा रही है। गांव से करीब 3 किलोमीटर अंदर जंगल में महिला का शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक महिला के गर्दन में तेज धारदार हथियार से वार किया गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बरौदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर जालौन से, जहां जालौन कोतवाली क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और उपसंभागीय परिवहन अधिकारी और खनिज अधिकारी ने अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। जालौन कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को अवैध शराब के साथ पकड़ा। वहीं उपसंभागीय परिवहन अधिकारी ने 2 इको गाड़ी और 1 ऑटो रिक्शा पकड़ा। साथ ही खनिज अधिकारी ने 2 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। पकड़े गए सभी वाहनों को जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं अवैध शराब के साथ पकड़े गए लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। जालौन की जालौन कोतवाली के 2 उप निरीक्षकों ने अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब ले जाते हुए 2 लोगों को पकड़ा है। दोनों लोगों के पास से लगभग 45 क्वार्टर बरामद। साथ ही जालौन कोतवाली क्षेत्र के दीनदयाल चौराहे के पास उपसंभागीय परिवहन अधिकारियों ने भी अपना कानूनी हंटर चलाया है। वहाँ पर उन्होंने 2 इको गाड़ी और 1 ऑटो, जो बिना जरूरी प्रपत्रों के यात्री परिवहन में लगे थे, इनको पकड़ा है। इनके पास से जब प्रपत्र मांगे गए हैं, जब प्रपत्र नहीं दिखा पाए हैं, तो लिहाजा 3 गाड़ियों को जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही जालौन बंगरा मार्ग पर, यानी जालौन कोतवाली क्षेत्र में जालौन बंगरा मार्ग पर खनन अधिकारी, जिला खनन अधिकारी ने 2 गिट्टी से भरे हुए ट्रकों को पकड़ा है। इन ट्रकों से भी जब जरूरी प्रपत्र मांगे हैं तो वो भी प्रपत्र नहीं दिखा पाए, लिहाजा दोनों ट्रकों को जालौन। खबर चित्रकूट से, जहां चंद्रयान की सफलता की कामना को लेकर धर्मनगरी के कई मठ मंदिरों में सुबह से ही कल पूजन पाठ चलता रहा था। इसके अलावा गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में भी सुबह से हवन पूजन कल चलाया गया था। चंद्रयान की सफलता के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जो इस समागम को सभी को देखना चाहिए था, ये एक भारत द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया गया है, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। गंगा यमुना का समागम देख रहा हूं, एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की सांध्य मेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की मेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। दोनों का मैं समन्वय देख रहा हूं, और हम सफल होंगे जी। धर्मनगरी चित्रकूट में तुलसी जयंती के अवसर पर रामचरितमानस के रचयिता संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की 526वें जन्मोत्सव पर कामतगिरी पीठम कामतगिरी
प्रदक्षिणा प्रमुख द्वार ट्रस्ट कामतानाथ मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही व्याख्यान माला और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में देश के विभिन्न जनपदों से आए हुए संत महात्माओं, विद्वत महानुभाव समेत चित्रकूट धाम के साधु संतों, आम नागरिकों, नगर और ग्रामीण वासियों से सहभागिता की गई। बता दें चित्रकूट कामतानाथ मंदिर के महंत संत मदनराज महाराज के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अगली खबर सामने आई है, जहां शासन के आदेश पर जिले की पुलिस अलर्ट हुई और वाहनों में लिखे जाति और अन्य स्लोगनों को हटाने का अभियान शुरू किया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर 2 दर्जन से अधिक वाहनों को स्टिकर हटवाए। बता दें कि जिला मुख्यालय उरई से अभियान की शुरुआत की गई। क्योंकि इस तरह से कई बार देखा जाता है कि अपनी 2 पहिया वाहनों पर या 4 पहिया वाहनों पर लोग अपनी जाति लिखते हुए उस पर स्टिकर लगाते हैं जातियों के एवं विभिन्न पदों के, तो इसको लेकर बहुत गंभीरता से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों से निवेदन है कि तत्काल आपने अगर ये स्टिकर्स लगा रखे हैं इस तरह के, तो आप स्वयं ही इसको हटा लें, क्योंकि पुलिस हटाएगी और उसके बाद फिर आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। सभी लोगों से यही आग्रह है कि ये स्पीकर्स जो आपने लगा रखे हैं उनको तत्काल अपने आप स्वयं ही हटा लें, अन्यथा फिर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आप? खबर बांदा से, जहां प्रधानमंत्री आवास के लिए पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। बता दें पात्रता सूची में नाम होने के बाद पीड़ित को प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया जा रहा है। वहीं न्याय की गुहार लगाने पीड़ित परिवार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। मामला भबेरू तहसील अंतर्गत अमरका गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है आप और कहां से आई हैं? मरका से। ये बताइए किस तरह की समस्या लेकर के आप यहां पर आ जाइए हुई हैं? हमारा आवास आया है और काटा जा रहा है, पैसे की मांग। कौन पैसे की मांग कर रहा है? पंचायत मांग रहे हैं 20,000 रुपये दो ताकि हमारा आवास काट जाए। सूची में नाम है आप लोगों का? तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं इसके पहले करी थी कहीं? तो आज आप लोग कहां पर आई हुई हैं? हम जिला अधिकारी के पास आए हैं। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप? हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारा आवास मिलना चाहिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? देव सरल। अब कहां से आए हैं आप लोग? मरका से। ये बताइए किस तरह की समस्या लेकर के आप आए हुए थे? हमारी आवाज़ आई थी सर, तो कट रही आवाज़। कौन कट रहा है? कट रहा है पंचायत में। और अच्छा, किस बात को लेकर क्यों काट रहे हैं आके? पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको प्रधान को भी देना पड़ता है, इसलिए पैसा हमको चाहिए, हमारे पास पैसे है नहीं। कितने पैसे की मांग कर रहे हैं? 20,000। तो क्या सूची में आप लोगों का नाम है? सूची में नाम है सर। तो इसके अलावा कितने दिन हो गए आप लोगों से पैसा मांग रहे हैं और कब से नाम काट दिए काटने के दम? कभी आधार कार्ड का भी, मोबाइल नंबर का भी, ऐसे मांगते वो जॉब कार्ड बुलाते हैं, ले लेते हैं, बोलते हैं आप। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों की मनमानी रवैया को देख भड़के जिला पार्षद दीपक यादव ने आरटीपीएस काउंटर में पहुंचकर जमकर फटकार लगाई। बता दें कि एक ग्रामीण कन्या विवाह योजना का आवेदन जमा करने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर गया हुआ था, जो आरटीपीएस काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने ग्रामीण का आवेदन लेने से मना कर दिया। वहीं परेशान ग्रामीण ने जिला पार्षद दीपक यादव को शिकायत की, जिसके बाद आरटीपीएस काउंटर पर पहुंचे जिला पार्षद दीपक यादव ने कर्मचारी की जमकर फटकार लगाई। आरटीपीएस काउंटर पर फॉर्म जमा करने के लिए तो बोल रहे हैं कि कल आइए। तो किस चीज का फॉर्म है? कन्या विवाह का सर। कहाँ पे आए थे? काउंटर पर, आरटीपीएस काउंटर पे। कौन बोला कि कल आएंगे? कल आइए। वो आरटीपीएस जो ऑपरेटर हैं, अच्छा, वो बोले कि कल आइए। आपने बताया अपना मैटर की, मतलब मेरा मैटर ये है। बोले सर कि अभी साइन करा के बड़ा होशियार हैं, बोले कि जाइए काउंटर पर जमा कर दीजिए। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि आज नहीं हुआ कल आइए। तो टाइमिंग तो मान लीजिए 4 बजे के बाद बंद होता, तो टाइम से पहले थे या टाइम के बाद? पहले थे। कितने बजे? 3:30 के लगभग थे। अच्छा, वो ये नहीं बताया कि हम मतलब कहीं जा रहे हैं या फिर हम कल? नहीं, बोल रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा, बहुत सारा फॉर्म है इसलिए नहीं ले। वजह नहीं बताया कि क्या वजह है?
आपको हमने आज नहीं दिख पाए। बोल रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा जी, किस गांव से आप आए हैं? पचलकी से सर, एक फॉर्म पचलकी से का है। आज पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आप आए थे? नहीं सर, पहली बार। आप कर्मी भी हैं क्या? नहीं। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम है आपका? कुमार। इसका फॉर्म है ये सर है इनका मनीषा कुमार। आप बच्ची हैं? नहीं, वो मेरी सरज लगती है। अच्छा अच्छा, क्या नाम होगा आपका? रणजीत कुमार। दुर्गावती ब्लॉक की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पे गांव के लोग आए दिन आते हैं और बड़ी आस और उम्मीद के साथ अपना काम लेकर ब्लॉक पे आते हैं और निराश होकर प्रतिदिन लोग जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। पैर पे पैर चढ़ाकर जो है कर्मचारी लोग बैठे रहते हैं और बोलते हैं कल आइएगा, परसों आइएगा। अभी एक मामला हमारे साथ में है, देखिए ये लंबू जी है, कबीर इंटिस्ट्री का पैसा लगभग 11 महीना हो गया जबकि पेमेंट हो गया है, मात्र जो है चेक देना है। उसमें जो है रोज कहा जाता है कि ठीक है कल आइएगा। आप ही बताइए भभुआ से चेक आने में दुर्गावती कितना समय लगेगा, सोचने वाली बात है। अभी जो है हमारे भाई है रंजीत बाबू है, अभी आरटीपीएस काउंटर पे गए, बोले कि फॉर्म जमा करना है, तो वो बोल रहे कि हमारा तो टाइम खत्म हो गया है। हमको लग रहा है कि अभी 4 बज रहा है, इनका टाइम कैसे खत्म हो गया है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रतिदिन ऐसे ऐसे लोग प्रतिदिन ब्लॉक पर आते हैं और जो है निराश होकर के जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। मैं अधिकारी और पदाधिकारी और जितने कर्मचारी है सबसे कह देना चाहता हूं, अगर किसी भी किसान गरीब गुरबा गांव के लोगों का काम नहीं हुआ तो इस तरह से मनमानी ढंग से हम लोग ब्लॉक चलने नहीं देंगे। तो आप जो है कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी जो होता है वो सरकार का नौकर होता है, सरकार उसे पैसा देती है काम करने के लिए, मात्र टेबल पे बैठ के जो है लूट घसोट करने के लिए नहीं देती है। अगर इसके विरुद्ध अगर दुर्गावती ब्लॉक की स्थिति नहीं सुधरी तो हम दुर्गावती ब्लॉक के अंदर उग्र आंदोलन और धरना देने का हम काम करेंगे। जैसे में आज जो घटनाएं घटी इससे जिलाधिकारी महोदय से आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, एकदम करेंगे। हम बुलाएंगे, हम डीएम साहब को इसको अभी फोन के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, हम लिखित शिकायत भी करेंगे और हम डीएम साहब को निरीक्षण में निश्चित तौर पर बुलाने का काम करेंगे। खबर कासगंज से है जहां गांव बरूना में गंगा नदी के पानी में कहर ढाया हुआ है जिसके चलते गांव के लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं ग्रामवासियों में गंगा के बढ़ते जल स्तर को लेकर डर बना हुआ है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई है और अधिक नुकसान न होने पर इसलिए सरकार द्वारा लगातार कटान रोधी कार्य भी कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार वहां की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है।